प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई केस चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई अदालत की कार्रवाई चल रही हो और नहीं पूरी हो रही हो, तो भैरव काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। और भैरव मंदिर में भगवान शंकर का ही स्मरण कर कर जो पुष्प, चाहे वो लाल पुष्प हो चाहे श्वेत पुष्प हो, समर्पित करना चाहिए। जैसे विशुभ योग में किया गया सत्कर्म शुभ होता है। विशुभ योग कब आते हैं? शिव महापुराण में वर्णन किया गया है, गीता प्रेस की, गोरखपुर की गीता प्रेस शिव महापुराण की अगर किताब लेकर आएंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44 पर विशुभ योग का वर्णन लिखा हुआ है। विशुभ योग दो बार आता है, एक बार आएगा 21 मार्च को और दूसरी बार आता है 22 सितंबर। ये तो हो गई अंग्रेजी तारीख। हिंदी के अंतर्गत अगर देखेंगे जो चैत्र मास की नवमी और अश्विनी मास की नवमी, ये दोनों को विशुभ योग रहता है। जिस नारी को 14 साल, 15 साल, 20 साल संतान नहीं हुई हो, 18 साल हो गए हो, 12 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, संतान अगर गोदी में नहीं है, तो विशुभ योग के अंतर्गत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर जी के शिवलिंग की पूजन कर खीर बनाकर शंकर जी को भोग लगाकर किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराकर खीर खिलाकर उन्हीं से थोड़ा सा खीर का प्रसाद मांगकर उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे पति पत्नी अगर वो प्रसाद को पा लेते हैं तो उनका गर्व ठहर जाता है। ये विशुभ योग है। गीता प्रेस गोरखपुर की पृष्ठ संख्या 44। कई लोग नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कहां से बोल दिया महाराज, इसलिए आजकल बोलने से पहले आप लोगों को पृष्ठ संख्या भी बता देते हैं कि इस किताब में से, इस जगह से, इस पुराण में से बोल। विशुभ योग दो बार आता है, एक बार कब आएगा भैया जम के बोलो जरा। आज कौन सा मार्च है? आज 13 मार्च है। अभी मार्च के महीने में आएगा, कितनी मार्च को? 21 मार्च, और फिर आएगा 22 सितंबर। ये विशुभ योग मानना। विद्या अध्ययन के लिए भी ये प्रबल होता है महाराज। जिसके शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ गए हो या सफेद में कहीं शरीर में चर्म रोग हो गया हो, तो विशुभ योग के दिन का पूजन का भी प्रमाण वर्णन किया गया है। उसको करने के बाद 15 दिन के अंदर वो चमड़ी अपने असली रंग में आने लगती है, वो विशुभ योग के अंतर्गत होता है, वो भी विशुभ योग। इक्कीस मार्च को आए, आप शिव आराधना करिए, शंकर का भजन करिए, स्मरण करिए, ये जीवन को सुख देंगे। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, अगर थोड़ा सा जीवन में दुख आ रहा है, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ रहा है, तो उस कष्ट को यह ना सोचें कि कष्ट बड़ा विकट है। नहीं नहीं, शिव है हमारे साथ, भगवान शंकर की। वो कहते हैं ना कि एक राजा के यहाँ एक बगीचा था, उस बगीचे में एक माली काम किया करता था। माली का काम क्या था? बगीचे में जो फल लगते थे वो राजा के यहाँ पहुंचा था। जो फल लग रहे हैं वो राजा के दरवाजे पर भेज देते। आज माली ने